दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मम्मी और के घर से। तो जस्ट मैं अभी पहुँची यहाँ पे। अभी बस अपने घर का काम वगैरह निपटा के जो भी चीज़ें थी सब करके तो मैंने सोचा अभी मैं इधर चली जाती हूँ। और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि आज अंजु दीदी जिनकी शादी थी, जिनके आपने पिछले ब्लॉग देखे होंगे मेहंदी वगैरह के, तो उनकी शादी थी। तो आज ना दोहरवट आ रखे हैं, मतलब अभी पहुंच गए शायद वो भी, बट मैं अभी मिली नहीं उनसे क्योंकि मैं अभी अपने घर पे आई हूँ। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी मिलने के लिए, तो मैं जैसे मिल के आ जाती हूँ। तो आज दोहरवट आ रखे हैं, मतलब शादी के दो दिन बाद आए हैं यहाँ पर। तो शादी की तो मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं गई नहीं थी शादी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शादी हो रही है कोटद्वार से और यहाँ दिल्ली में नहीं होती शादी। दिल्ली में से एक दो फंक्शन हुए थे, उसके बाद वो कोटद्वार चले गए थे, तो वहीं पर पूरी शादी हुई है। और उसके बाद वो दो दिन बाद आज आए हैं यहाँ पे। शादी में तो अभी मैं सोचा मिल के आ जाती हूँ, दुल्हा दुल्हन आ गए होंगे, तो देखते हैं दीदी कैसे लग रही है शादी के बाद और कैसा मैं ससुराल पे लगा। अभी मैं आप लोगों से भी मिलवाऊँगी। और उससे पहले ना मैं आपको एक दुखद वाली न्यूज़ देना चाहती हूँ कि कल रात को ना हमारी जो पीटी थी ना चूया, तो आपने देखा होगा काफ़ी बार ब्लॉग में मेरे साथ, तो वो ना कल रात को मर गई बेचारी। पता नहीं क्योंकि उसको ना एक तो काफ़ी टाइम भी हो गया था हमारे साथ और ज़्यादा बड़ी नहीं होती, दो तीन साल तक ही वो जी पाते हैं, और उसको हो ही गया था। और उसकी ना तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब रहती थी, पाँव वाँव थोड़ा टेढ़ा था, तो काफ़ी टाइम से वो थोड़े से दो चार दिन से उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खाना वाना नहीं खा रही थी। तो कल रात को ना वो बेचारी भी मर गई। तो कल मैं आई थी यहाँ पर देखने के लिए और फिर मैं चली गई थी, तो सुबह वो ठीक भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि नींद बच पाएगी। तो रात को मम्मी कहती वो मर गई। और चलो कोई बात नहीं, भगवान अगले जन्म में उसको अच्छे से इंसान बनाए और जो भी हो। तो फिलहाल अभी पापा खाना बना रहा है, पापा की छुट्टी है, पापा घर पे है, और अभी थोड़ी देर में जाऊंगी मैं दीदी से मिलने के लिए। बना रहे खाना और बाकी सब लोग गए हैं दूल्हा दुल्हन को मिलने के लिए। ये देखो मेरी मम्मी पता नहीं आज क्या सामान निकाले जा रही है, तो गर्म सूट पहनी है वो भी स्टाइलिश वाली। भाई क्या गई दूल्हा दुल्हन को कब आई दीदी? अभी मेरे से आगे अभी आ रही। अच्छा तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, आपसे ले लूंगी मैं थोड़ी थोड़ी, तब हम यहाँ पे बैठे दो दिन में हम दीदी पतली हो गई दो दिन में ब्लॉग बना रहे हैं, बाकी सब बातें कर रहे हैं। दे दे सारी है देखो, थोड़ा थोड़ा अच्छा ये वाला बना रहे हैं। आ चल से बता दे जल्दी, बता आ चल्ली बोलता है मुंह से बता। देखो आ चल्ली किसको देगा, वो नहीं क्या घर से दादी किससे करेगा? हाँ चल मौसी से, क्यों सुंदर है मौसी के पति कौन है? चल बोलते बोला कुछ और मैंने नहीं बोला, कल कह रहा अमित मौसा पंकज मौसा, मतलब अपने आप ही यहाँ ब्लॉग बन रहा है, एक दूसरे का ब्लॉग बनाएंगे। अब सब बैठे हुए बातें बातें कर रहे हैं, खाना बना लिया आप लोगों ने? बनाया, मेरे तो पापा बना रहे हो, खाने भी लग गए, कह रहे मम्मी और दादा चले गए, मैं तो खा रहा हूँ मुझे भूख लग गई, मैंने कहा अब खाओ। तो मजा आता है ऐसे बैठ के ना बात बातें करने में। अभी हम लोग नई नई दुल्हन से मिलके आ चुके हैं और बस खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर से जाएंगे थोड़ी सी बातें बातें करने के लिए। अभी तो नॉर्मली वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना, तो अच्छे से बात नहीं हो पाई हमारी। और अभी थोड़ी देर खाने में पापा ने बनाया बहुत ही टेस्टी मजेदार राजमा बना, तिल बनाया पापा लगे अरे बर्ता देख मम्मी कह रही मैंने बनाया। खाना हो गया, दुल्हन दुल्हन खा रहे हैं और ये देखो मैं जा रही हूँ मम्मी की छत पे चटाई लेके धूप सेकने के लिए, अच्छी धूप आती है। आ रहा छत पे अम्मी जी, अरे नीचे ठंड लग रही है। अभी अम्मी ना नीचे आ चुकी है और अभी यहाँ पे दुल्हन
रेडी हो रही है कि चेंज कर रहे हो? चेंज कर रही पजामा टी शर्ट मतलब घर घर वाले कपड़ों में आ रहे हैं क्योंकि अब बहुत हैवी हैवी हो जाता है ना सूट वूट वगैरह। दूल्हे राजा दूल्हे राजा बैठे हुए हैं बाहर सालियों के साथ। कमेंट में बताना अंजलि जी पूछ रहे हैं मेरे को लुक आ रहा है नई नई मैरिड वाला सॉरी अरे अंजलि एक दो महीने रहता है उसके बाद तो बोला था नए नए कपड़े पहन लो अभी उसके बाद ऐसे हो जाएगा अभी गाइस अभी रुको मैं जरा बिंदी लगा लूँ उसके बाद अभी ये काट ये काट नहीं लुक दिखाएगी ना कैसा लग रहा है प्यार है। तो दोस्तों अभी तो दीदी तैयार हो रही है और मैंने शादी में नहीं गई थी तो अगर इन लोगों ने ना शादी की कुछ वीडियो वगैरह ली होगी तो मैं इनसे ना मांग के इसी वाली वीडियो में ऐड कर दूंगी लास्ट में तो आप लोग देख लेना शादी की वीडियो। मैं तो नहीं गई थी पर इसमें ऐड कर देते हैं ना दीदी थोड़ा यादगार रह जाएगी आपकी थोड़ा लगा दो तैयार हो गई दुल्हन। नहीं नहीं बड़ा शौक रहता है तैयार व्यार होने का कुछ दिन तक फिर उसके बाद फिर मेरी तरह हो जाता है आदमी लगाओ तो लगाओ ना लगाओ तो ना लगाओ। अब मेरे को बिल्कुल शौक नहीं होता कुछ भी लगाने का तब होता है जब कहीं जाते हैं या कुछ भी घर पे तो बिल्कुल ही मन नहीं करता कुछ करने का। अरे यार एक बार आरती मिलना है फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे अभी काजल के आईफोन से आके खुला रहा मेरी गर्दन सीधी जा दीदी इधर देखो चुप रहा देख लो आंटी कपड़ों की तई बनाते हुए या फोटो शूट हो रहा है। अब आप मैरिड हो चुके हो अभी तुम तो देख लो यहाँ बातें चल रही है खाने की तैयारी चल रही है रात के खाने की तैयारी लेके खड़े जाएंगे पापा नहीं बनाएंगे आज पापा का चूहा मर रखा है। अच्छा पापा सदमे में है पापा थोड़ा सदमे में है चूहे के बस हाँ चूहे को बहुत प्यार करते थे हमें बुरा लग रहा है अजीब लग रहा है उसके बिना ना उससे आदत से पड़ा उसको बेचारी यहाँ पे गिफ्ट ओपन हो रहे हैं आज दीदी अपने खजाना दिखा रही है आज दीदी खजाना दिखा रही है अपना ये अच्छी लग रही है ये पायल कितनी प्यारी बना रखी है जिसने बना रखी है अरे मैं मम्मी को कहती वाली पायल अच्छा इसमें तो ये छुम्मे ना ये अच्छी लग रही है छुम्मे छुम्मे अच्छी लग रही है ये गिफ्ट कहाँ के यहाँ के वहाँ कह रहे सीटों से बाहर आ रहा नहीं वहाँ से नहीं लाए मैं यहीं दे गए थे अच्छा यहाँ वाले गिफ्ट है ना मायके वाले चलो करो अनबॉक्सिंग ये किसने बनाई डेली यूज पहनना दीदी सारी पायल अच्छी हाँ इसमें छनछन भी नहीं है सही है यानी बिच्छू नॉर्मल है देखो हाँ यार ये ना माला टाइप की लग रही है थोड़ी मोती की माला नहीं होती मस्त लग रही है बिल्कुल डिफरेंट बना रखा है अलग ही शाइन की तो ये शाइनिंग देखो हाँ इनका डिजाइन अच्छा लग रहा है ये दे थे नीतू दीदी मैंने अमित को भी दिखा रहे ये अच्छे तो है ये सुंदर लग रहे डेली यूज के लिए भी सही ये डेली यूज के लिए सही ये दिखा ये मम्मी ने दिए तुम्हारी ये अच्छा लग रहा है ये अच्छे लग रहे डेली यूज के लिए बहुत सुंदर लगते है अब यहाँ पे गिफ्ट की भी अनबॉक्सिंग हो गई और ये देखो भैया भी देख रहे हैं आंटी भी आंटी कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है और बस ये देख रहे हैं अपना अपना सामान साजो सिंगार का सामान ये तो हमारी नजर इसमें है मतलब अनबॉक्सों में हमारी नजर इस बॉक्सों में अभी अरे क्योंकि ये अनबॉक्सिंग करने में अच्छा लगता है ना चलो खोलो भैया हाँ साथ में हाँ जी शुरू हो जाओ जूसर मिक्सी जूसर मिक्सी है ये जूसर मिक्सी है ये जूसर मिक्सी नेक्स्ट 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 साथ में बोलो दिया है दिया नहीं है दिया ही नाम इन्हें लिखा दो ना अपना क्या दो सर क्या उनके नाम इसमें क्या है चमकीला चमकी बाकी के गिफ्ट दीदी ससुराल ले गई पहले ही
तो जो यहाँ छोटे हुए थे वो वाले देख रहे हैं। हाँ मैंने बोला था ना स्काई ब्लू खाएंगे तो मैंने हलवा तो खिलाऊंगी। हाँ हलवे की क्या तारीफ होगी तो मैं हलवा ही खिलाऊंगी। नहीं तो काशी कटोरी में हलवा ही दिया जाओ। इसमें जैसे आइसक्रीम हो गई, डिजर्ट हो गया, कुछ भी। ये भी मुझे ऐसे लग रहा है कुछ आई है सुमित भैया ने। सुमित भैया ने नीचे वाले नहीं मेरी बहन ने थे वो। अरे अच्छा हां जो भैया के दोस्त ने ले दे गया आज जितनी मिठाई खिलाई गई बाबा अपनी शादी की। पल्लू रखो अंजलि लगना चाहिए ना। नहीं नहीं शादी कल वो देरी मिठाई का। पल्लू रखो पल्लू। अच्छा पर ये तो किसी का माइक है, ये तो माइक है ससुराल में रखते ना पल्लू। ससुराल का कलो लेके आ रही है पता नहीं कुछ जान नहीं यार हम भी आते थे मायके में आपको इज्जत नहीं है पहले पहले हमारी इज्जत खाती रही। आओ जाओ कोई पूछता नहीं है कोई नहीं पूछता भाई। उसके बाद कोई नहीं पूछता ज्यादा। अरे जल्दी ले क्या उसके बाद आते की भी करेगी वैसे इधर जब आएगी तब तक तो तू बुढ़ी हो जाएगी। मिठाई गिन गिन के ला रही है आज भी गिन गिन के ला रही हो क्या ससुराल ले ले आ चल। अरे थोड़ी थोड़ी सारी ले लो ना हम दोनों के एक जैसे बन रहे थोड़ा कट 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 कर दियो ठीक है। ये देखो खा लो खा लो। अरे ले ले ये मैं ले लूंगी अपना मैं ले लूंगी वहां रख दे कर ले टेस्ट खा ले। और बताना मेरे शादी के बाद लुक कैसा लग रहा है मेरे इसमें तो देख मारे इसमें तो हाँ बताना दोस्तों कमेंट करके। आंटी लुक इतनी भी आंटी ना लग रही लो खा लो। ले बोल आ चल का हाँ तो ये है आप सबकी नजर इसमें सबकी नजर इसमें टिकी हुई है। यूट्यूब चैनल वालों को बुलाऊंगा अपनी शादी में। हाँ सब उसके शादी में आ जाना है। 1 करोड़ का कैंडल लाइट कौन सा वो कराएगी ज्यादा ज्यादा न्यूता लिखा के जाना देना भी तो पड़ेगा बेटा वापस है। अरे और चीज ले लो मम्मी से
पे थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही दूल्हा दुल्हन से बातें बातें कर रहे थे, तो थोड़ी देर में वहाँ पे थी, बातें बातें करी और उसके बाद मैं सीधा आ गई घर पे, और उसके बाद मैंने ब्लॉग आगे कंटिन्यू किया, तो अब कर रही हूँ। तो अभी रात का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात का खाना, तो अभी मैंने इसमें छोले रखे थे, और मैंने पहले उबाल तो दिए थे, मैंने फिर दोबारा चेक किया था, वो ढंग से नहीं उबले थे, तो मैंने दोबारा से रख दिए, बाकी आटा वाटा गूंथ के रख दिया है। तो अभी बस खाना बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड, देवर कोई भी नहीं आया है, मैं भी अकेला हूँ घर पे, आज काजल भी नहीं आई मेरे साथ इधर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तभी ये लोग भी आते होंगे ऑफिस से। और चलो फिर मैं रात का डिनर बनाती हूँ, और इसी के साथ आज इस ब्लॉग को भी यहीं पे मैं एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।